शिकायतकर्ता रुद्र रोल निवासी है, जिसका आरोप है कि अधिकारी ने किसी काम की एवज में उससे 20,000 रुपए बतौर रिश्वत मांगी थी, जिस पर उसने हिसार विजिलेंस टीम की मदद ली। वह अधिकारी को पकड़ने के लिए सभी तैयारियां की गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि अधिकारी को झूठा फंसाया गया है, क्योंकि कथित 20,000 की राशि अधिकारी की एक डायरी से बरामद की गई है। शिकायत मिली थी और क्या कार्रवाई मिलाई गई? मैं यहाँ मेरे दफ्तर में खिजरू गांव से आया हुआ था और एक जना राजेंद्र सिंह सनौसा सिंह गुदरोल गांव से है वो, उसने मेरे शिकायत करी कि हमारे सब्सिडी जो होती है, जो हम ये छोटे ट्यूबवेल वगैरह पंप वगैरह लगाते हैं उसमें हमें सब्सिडी मिलती है, उस हमारे फार्म की वेरीफाई करते हैं DHO साहब और उसी की वेरीफिकेशन में हमें सब्सिडी मिलती है और वो हमारे सब्सिडी को वेरीफाई करने के लिए 20,000 रुपये मांग रहे हैं। उसने हमारे कंप्लेंट करी, मंडी साहब से परमिशन ली, हमने जाकर के उसको परेड करी, उसने 20,000 रुपये ले लिए और वो हमने गिरफ्तार कर लिया। सर, उन लोगों यही कहना है कि उनको जबरन जो पैसा दिया गया उसको जबरन हाथ मिलाया गया, इस प्रकार की शिकायत उन लोगों ने की है, तो क्या कहना है? नायब तहसीलदार रामानंद जी साथ थे, हमने हाथ दिलवाए हैं, हाथ दिलवाने के बाद उसका कलर आया है, इस बात से स्पष्ट है कि उसने पैसे लिए हैं, पैसे उसकी फाइल से बरामद हुए हैं, वो भागने की कोशिश कर रहा था, भागने नहीं दिया।